हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। करेंगे कि क्यों चाइना इंडिया के ऊपर दादागिरी करता है और हम उसको कैसे सपोर्ट करते हैं। करंट न्यूज आप लोग को पता होगा, सिक्किम और लद्दाख में ड्रैगन सोल्जर इंडिया बॉर्डर में एंट्री करने के लिए सारे रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं और उनका सपोर्ट से जो हम पैसे देते हैं चाइना को, उसी मनी से पाकिस्तान भी हमारा कम नुकसान नहीं करता और उनको रोकने के लिए हमारा सोल्जर बॉर्डर में उनके साथ फाइट करते हैं। और आप लोग को पता ही होगा रिजल्ट क्या होता है, कितना भाई बहन, बाप माँ, बीवी, बच्चे अपने को खोते हैं और कितना दुख पाते हैं। अब टाइम आ गया दोस्तों, हम सब मिलके चाइना के खिलाफ बुलेट वॉलेट मिशन को सक्सेस करें। इस मिशन को स्टार्ट किए थे मिस्टर सनम यांचू, जिनके ऊपर 3 इडियट्स का मूवी बनाया गया है। आओ जानते हैं कि बुलेट वॉलेट मिशन क्या होता है। बुलेट वॉलेट मिशन ये होता है, बॉर्डर में हमारा इंडियन सोल्जर बुलेट के साथ चाइनीज को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और टाइम आ गया कि हम उनका वॉलेट मींस उनका प्रोडक्ट को बॉयकॉट करके, उनका इकोनॉमी को डिक्रीज करके उनको वॉलेट से मारेंगे। इस मिशन को कैसे हम सक्सेस कर सकते हैं, एक छोटा सा स्टोरी से आपको मैं बताऊंगा। फॉर्मरली पॉलिटिशियन, सोवियत पॉलिटिशियन मिस्टर निखिल गॉर्बच ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखे हैं, जब उन्होंने लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, उनके साथ 2 जापानी स्टूडेंट में पढ़ रहे थे। उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था और उस टाइम जापानीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया था और सारे पावरफुल कंट्री ने उनके ऊपर इकोनॉमिकल सेंक्शन रूल बना दिए थे, जिससे कि उनका प्रोडक्ट का कोई वैल्यू और प्रॉफिट नहीं होता था। ड्यूरिंग द क्लास जब टीचर ने एक टास्क दिए तो सारे स्टूडेंट ने अपना नोटबुक में लिखने चालू किए, तो उसी टाइम 2 जापानीज ने अपना पेंसिल और कटर निकाल के लिख रहे थे, तो उनका पेंसिल इतना खराब क्वालिटी का था कि उनका जो टिप था वो बार बार ब्रेक हो रहा था, इसीलिए उनको दोबारा कटर से कटिंग करना पड़ रहा था। तो बाकी सारे स्टूडेंट से देखने के बाद वो 2 जापानी स्टूडेंट को बताए कि आपने क्यों लंदन का प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हो, ये बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं और प्राइस से भी आपसे लो है। तो ये सुन के 2 जापानी स्टूडेंट का आंख से आंसू आ गया और बोले कि आज हमारा प्रोडक्ट अगर हम खुद यूज नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। हम मानते हैं कि आज हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम में हमारा प्रोडक्ट सारे वर्ल्ड में फेमस होगा। आप लोग को पता होगा अभी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑटोमोबाइल्स में जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जो जापानीज का है, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने में इंप्लीमेंट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। इट इज द मेजर वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ जापानीज सिस्टम और जापानीज प्रोडक्ट। अब टाइम आ गया दोस्तों, हम भी इंडियंस अपने प्रोडक्ट को यूज करें और चाइनीज विथ अदर कंट्री का प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें, ताकि हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स ग्रोथ करे, हमारा यहाँ बेकारी डिक्रीज हो जाए। वन स्टेप फॉर मेक इन इंडिया। प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर और लाइक कीजिए ताकि सारे इंडियंस को बुलेट वॉलेट मिशन के बारे में पता चले और हमारा प्रोडक्ट को यूज करें। थैंक यू।